फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको बताया, इराक का खून बहाने वाले सद्दाम हुसैन ने कुरान पाक को अपने लाल भड़क खून से लथपथ कर लिखा था। ये कुरान जो कि 6000 वर्सेस और 3,36,600 वर्ड्स का है, उसे तानाशाह सद्दाम हुसैन ने लिटरली 3 साल तक अपने 25 लीटर खून निकालकर लिखवाया था। लेकिन आखिर क्यों? ये तो बस सद्दाम के पागलपन से भरे करतूतों की एक शुरुआत है। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर कैसे एक कीचड़ भरे गांव में रहने वाला गरीब सद्दाम इराक का प्रेसिडेंट बन गया, जिसने पूरे 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 24 सालों तक अपना शासन रचा। पर फिर इससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इराक से सीधा द मोस्ट वांटेड ऑफ इराक के पद पर आ गया। और दुनिया के वो सभी देश जो कि एक बार इसके पीछे खड़े हुआ करते थे, वही अब इसके खिलाफ हो गए। और क्यों इसे अपनी जान बचाने के लिए चूहे की तरह किसी बिल पर छुपकर रहना पड़ा, और फिर फाइनली सद्दाम हुसैन का अंत आखिर कैसे हुआ, ये सभी सवालों के जवाब आज तुम इस वीडियो में जानने वाले हो। सो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द राइज एंड फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन। अब फ्रेंड्स सोचो, अगर तुमने किसी से सलाह मांगी और उसने सलाह आपको दी, फिर तुमने उसे गोली मार दी, ऐसा होता है क्या? पर ये सद्दाम के राज में तो एक आम बात है। ये इराक और ईरान के गंभीर काल के बीच की बात है, जब इराक के हेल्थ मिनिस्टर रियाद इब्राहिम ने सद्दाम को गलती से सलाह देने की गुस्ताखी कर दी। सलाह बस इतनी सी थी कि सद्दाम अपनी प्रेसिडेंसी इराक के एक्स प्रेसिडेंट को दे, ताकि वो जाकर ईरान से शांति की मांग कर सके। और ये सुनते ही सद्दाम अपनी राजकुर्सी से उठे, मंत्री को मीटिंग के बीच से उठाकर उसे बाजू वाले कमरे में ले गए और धड़ाधड़ गोली मारकर चुपचाप वापस से वो मीटिंग ज्वाइन कर। ये थे इराक के सबसे जल्लाद, सबसे कठोर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। कई लोग इन्हें इतिहास के सबसे जल्लाद, खतरनाक और बेरहम डिक्टेटर भी मानते हैं। सद्दाम हुसैन अब्दुल माजिद अल तिक्रिती, जिनका बस नाम सुनकर इराक का बच्चा बच्चा कांप जाता था। और बाय द वे, इस मिनिस्टर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब मंत्री के मरने के बाद उसकी बेगम ने सद्दाम से उसके पति की लाश मांगी, तब सद्दाम ने उसकी बॉडी की डिलीवरी तो की, पर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद। इनह्यूमेन राइट? पर आखिर क्यों सद्दाम इतना बेरहम और जल्लाद बना? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने सद्दाम को इंसान से हैवान बना दिया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी सद्दाम की सगी माँ सुभा तुल्फा अल मुसालती, जिसने सद्दाम को सन 1937 अप्रैल 28 को अल औजा तिक्रित में जन्म तो दिया, पर फिर सद्दाम को उसके मामा को सौंप कर इराक का भविष्य बेबसी और तानाशाही के गहरे अंधेरे में धकेल दिया। क्योंकि उनके मामा खैरुल्लाह तल्फा ने सद्दाम को पाला तो सही, पर सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में उसे खून खराबे की दुनिया में धकेल दिया। और कैसे? उसके हाथों में बंदूक पकड़ा कर। और इसी के चलते 13 साल के बालपन में सद्दाम एक बच्चे से एक खूनी बन गया था। और यहीं से शुरुआत होती है इराक के द डार्क डेज की। क्योंकि सद्दाम सिर्फ खून करके ही नहीं रुका, उसने 1957 में सेकेंडरी स्कूल पास करते ही इराक की पॉलिटिकल पार्टी अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी में दाखिला लिया। यहाँ पर उसने 7 अक्टूबर 1959 के दिन अपने बाथ पार्टी के खातिर अपने ही देश के प्रेसिडेंट अब्दुल करीम कासिम को गोली से मारने की गहरी साजिश रची। सद्दाम के प्लान के मुताबिक गैंग के लोगों ने AK-47 जैसे भारी हथियार उठाए और रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। और जैसे ही कासिम की गाड़ी उस रास्ते पर पहुंची, सद्दाम ने अपने गैंग के साथ ढाई ढाई गोलियों की बरसात शुरू कर दी। लेकिन इसी गोलियों की बरसात में से एक गोली जाकर सद्दाम के पैरों पे लगी और प्रेसिडेंट को जान से मारकर सद्दाम की गैंग लंगड़े घायल सद्दाम के साथ वहां से बचकर भागने में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन सद्दाम का मिशन एक्चुअली में फेल हो गया। कासिम भाईजान तो एक्चुअली में जिंदा थे। और बचने के बाद कासिम ने एक एक करके सद्दाम के गैंग वाले मेंबर्स को ठिकाने लगाया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। मगर मिशन टू किल कासिम का लीडर सद्दाम हुसैन अभी भी फरार था। तो आखिर सवाल ये था कि सद्दाम कहां पे है? सद्दाम अपनी जान बचाते बचाते इराक से सीरिया और सीरिया से इजिप्ट भाग चुका था, वरना शायद इस जल्लाद की स्टोरी 1959 में ही खत्म हो जाती और इराक का भविष्य महफूज होगा। पर दुर्भाग्यवश इराक के नसीब में शायद सद्दाम हुसैन का राज लिखा ही था। और एक्चुअल में यहीं से शुरू होती है सद्दाम के प्रेसिडेंट बनने की कहानी। क्योंकि जब 1963 में जिस प्रेसिडेंट कासिम को वो मार नहीं पाया था, उसे बाथ पार्टी के मेंबर्स ने लॉ को तोड़ मरोड़ के उसे फांसी पर चढ़ा दिया। और इस खुशखबरी के मिलते ही सद्दाम अपने मुल्क इराक वापस से लौट आया।
पर लौटते ही पार्टी के लफड़े झगड़े चलते हुए सद्दाम का 2 साल का कारावास हो गया। लेकिन फिर 1966 में बाहर आते ही बात पार्टी के खास आदमी उर्फ सद्दाम के कजिन अहमद हसन अल बकर ने पार्टी के रक्षा सुरक्षा का ठेका सद्दाम को डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ रीजनल कमांडो बनाकर दे डाला। और यही वो दौर था जब सद्दाम ने पार्टी के दुश्मनों को अपने अत्याचार का शिकार बनाना शुरू कर दिया। और बस सिर्फ 10 सालों में 107 टॉर्चर मेथड्स की लिस्ट छाप डाली, जिसमें नाखून और दांत उखाड़ना, बिजलियों का झटका देना, कैदियों को उल्टा लटकाकर उन्हें कपड़ों की तरह धोना और उनका सबसे फेवरेट एक सिगरेट लोगों की आंखों में डालना। ऐसे टॉर्चर मेथड्स का इस्तेमाल अक्सर लोगों पर किया जा रहा था। लेकिन सद्दाम के प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने की सबसे बड़ी सीढ़ी तो सद्दाम ने अपने कजिन अहमद हसन अल बकर के साथ 1968 में चढ़ी, क्योंकि 1968 में अहमद अल बकर द प्रेसिडेंट ऑफ इराक और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक बन गए। इसके बाद पब्लिक सपोर्ट के लिए सबसे पहले सद्दाम ने 27 जनवरी 1969 को इराक माइनॉरिटी के 14 ज्यूज को इसराइल का स्पाई बताकर बगदाद में फांसी दे दी। और फिर अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फार्मर्स की सब्सिडी, फ्री हेल्थ केयर, इकोनॉमिक सपोर्ट टू सोल्जर जैसे बड़े नेक काम किए, जिसे देखकर यूनेस्को ने भी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक को अवार्ड दिया। और सद्दाम का सबसे बड़ा काम इराक के ऑयल को नेशनलाइज कर इराक को वर्ल्ड का द ऑयल हब बनाना था। और वाकई में उसके आने के बाद इराक का बहुत ही अच्छा तेल का धंधा चलने लगा। उसके चलते देश में नोटों की बारिश होने लगी और उसने यही पैसों की बारिश वेपन्स और केमिकल वेपन्स के पहाड़ खड़े करने में लगा दिए, और विकास और प्रगति हासिल करने के बजाय पावर गेन करने में। अगर साइकोलॉजिकली देखे तो सद्दाम हुसैन के अंदर एक भूख, पावर को लेकर एक भूख सी लगती है ना। लेकिन इसे पब्लिक ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया, और इसके बाद तो पब्लिक प्रेसिडेंट अल बकर के होते हुए भी सद्दाम हुसैन के नाम की माला जपने लगी। और अपने तख्त को खतरे में पाकर सद्दाम हुसैन को धूल चटाने की फिराक में अल बकर ने सीरिया से हाथ मिला लिया। पर क्या अल बकर सद्दाम के नाम को नष्टा नाबूद करने में कामयाब हो पाया? उल्टा अल बकर पर ही ये चाल भारी पड़ गई, क्योंकि इससे पहले अल बकर सद्दाम को इराक के पॉलिटिक्स की सीढ़ियों से ढकेल कर घिरा देता, सद्दाम ने अल बकर को जबरदस्ती प्रेसिडेंट के बोस से रिजाइन करवाने पर मजबूर कर डाला। और बस 16 जुलाई 1979 को इराक देश का संपूर्ण राज सद्दाम के मुट्ठी में आ गया। लेकिन राज्य हाथ में आते ही सद्दाम ने पहले हफ्ते में ही एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वाले 68 लोगों को चुन कर निकाला और उसमें से 22 लोगों को बेरहमी से फांसी दे दी। और अगस्त 1979 तक ही अपने सारे दुश्मनों को मिटाकर इराक के दिल में सद्दाम ने आते ही अपना खौफ भर डाला। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर प्रेसिडेंट बनते ही सद्दाम के टॉप जनरल्स को सद्दाम से मिलने से पहले अपने कपड़े, यहाँ तक कि अपनी अंडरवेयर तक उतारनी पड़ती थी, जिसे क्लीन और आयरन होने के बाद पहनने पर ही प्रेसिडेंट से मिल पाते थे। यानी कि 14,500 करोड़, वो भी उस समय में। और इसमें 20 पैलेस, अनगिनत कार्स, एयरप्लेन और यॉट आते थे। पर इससे भी वियर्ड बात तो ये है कि सद्दाम के 8 से 10 बॉडी डबल्स थे, क्योंकि मौत को मात देने के लिए ये हमेशा 8 से 10 कदम आगे रहना चाहते थे। और इनके हर एक बंगले पैलेस में हर रोज 3 टाइम का खाना और पूरा स्टाफ मौजूद रहता था, ताकि कोई ये जान न सके कि असली वाला सद्दाम कौन से पैलेस में रहता है। और जैसे ही हर सुबह की रात होती है, वैसे ही सद्दाम की प्रेसिडेंसी पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंधेरे बादल छाने लगे। दरअसल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने अपने 2500 साल का राज जड़ से उखाड़ दिया, और क्योंकि इराक भी शिया मुसलमानों का देश था, सद्दाम के सुन्नी मुस्लिम होने से उसकी प्रेसिडेंसी पर एक बड़ा खतरा था। पर अपनी पावर के नशे में चूर सद्दाम ने 22 सितंबर 1980 को यह सोचकर हल्ला बोल कर दिया कि बस 2 से 3 हफ्तों में ईरान भी सद्दाम का गुलाम हो जाएगा। लेकिन ये वॉर कुछ ज्यादा ही लंबा चला, जिसमें यूएस, यूरोप, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, अरब स्टेट्स ने ईरान का रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए इराक का साथ दिया, क्योंकि अगर ईरान पावर में आता था तो ये सारे कंट्रीज को ईरान रेवोल्यूशन के प्रोपोगंडा से बहुत नुकसान होता था। बट फ्रेंड्स, सद्दाम के पावर ने उसे इतना पागल कर दिया था कि उसने अपने ही देश के रहने वाले कर्ड मुसलमानों पर 16th मार्च 1988 को टेबोन नाम की जहरीली केमिकल गैस से हमला कर दिया। इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि 10,000 लोग जिंदगी भर के लिए लंगड़े लुल्ले हो गए थे। लेकिन जब सद्दाम से इस हमले का जवाब मांगा गया, तो सद्दाम ने इस हमले का इल्जाम ईरान पर ही थोप दिया,
और सद्दाम के इस खुल्लम खुल्ला कत्लेआम के बाद भी दुनिया चुप रही और आखिर ईरान और इराक की लड़ाई पूरे 8 सालों के बाद सीज फायर यानी कि रद्द कर दी गई और इससे इराक को ईरान का एक इंच भी नहीं मिला। कुछ मिला तो दोनों देशों को करोड़ों सैनिकों की लाशें और इस इराक वर्सेस ईरान वॉर ने सिर्फ ईरान को ही नस्तनाबूद नहीं किया बल्कि इराक को सपोर्ट करने वाले दूसरे देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जों में डुबो दिया और हालात वॉर के बाद इतनी खराब हो गई थी कि इराक के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सद्दाम का सन की दिमाग खुद ही विक्ट्री का ताज इराक को पहना कर बोला, ये मैं हूँ, ये मेरा नस्तनाबूद हुआ पड़ा इराक है, पर यहाँ पर पारी हो रही है। और इतना सब होने के बाद भी यूनेस्को का अवार्ड पाने वाले सद्दाम ने अपने लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के बजाय हैंड्स ऑफ विक्ट्री 2014 एंशिएंट बेबीलोन सिटी को बिल्ड करता रह गया जिसके हर 10वें पत्थर पर सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ। और इसके साथ ही हर साल अपने हैप्पी बर्थडे पर सद्दाम अपनी जनता को अपना ही स्टैचू गिफ्ट में देता था। इनफैक्ट इराक के हर चप्पे चप्पे में सिर्फ सद्दाम के ही पोस्टर लगे पड़े रहते थे जिसकी वजह से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जितनी इराक की लिविंग पॉपुलेशन है उतने तो सद्दाम के पोस्टर की पॉपुलेशन है और ऊपर से सभी के घर में सद्दाम की तस्वीर लगी होना कंपलसरी कर दिया गया और अगर किसी ने गलती से भी सद्दाम की तस्वीर उल्टी टांग दी या इवन टेढ़ी टांगी तो उसकी मौत होना तो तय था। पर इतना सब हो जाने के बाद भी सद्दाम ने 2 अगस्त 1990 में अपने दूसरे पड़ोसी देश कुवैत के साथ 1 लाख से भी ज्यादा आर्मी फोर्स भेजकर वॉर आरंभ कर दिया। और क्यों? इसके पीछे 2 पॉपुलर रीजन सामने आए थे, क्योंकि कुवैत ने इराक को ईरान और इराक वॉर के दौरान पे $30 बिलियन का कर्जा दिया था जिसे इराक लौटाने से सरासर मना कर रहा था और दूसरा रीजन ये था कि कुवैत के किसी मिनिस्टर ने सद्दाम के फाइनेंस मिनिस्टर से इराक की औरतों को कुवैत भेजो कहने की गलती से गुस्ताखी कर दी जिसका पता चलने के बाद सद्दाम गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने सीधा कुवैत पर आक्रमण कर दिया। और अब वजह चाहे जो भी हो वॉर तो छिड़ गया ना, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इराक को अभी भी लगा कि पिछले ईरान और इराक वॉर की तरह सभी देश उसी के साइड में होंगे। पर सद्दाम के हिटलर जैसे एटीट्यूड वाले हमले के बाद इराक का पापा बन के घूमने वाले यूएस और इजिप्ट और सीरिया और यहाँ तक कि रशिया सभी ने मिलकर कुवैत से इराक को खदेड़ दिया और कुवैत का ये वॉर खत्म होने के बाद सारी दुनिया को अच्छे से ये समझ में आ गया था कि इस तानाशाह हिटलर के दूसरे कॉपी को हम आसानी से खुला नहीं छोड़ सकते और इसीलिए यूएन ने इराक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तब तक के लिए बैन लगा दिया जब तक सद्दाम हुसैन दुनिया को तबाह कर देने वाले वेपन्स को इराक से बाहर न निकाल कर दें। और इससे इराक का बिगड़ा नसीब और बिगड़ गया क्योंकि जिस सद्दाम को लोगों ने अपना मसीहा माना था उसने अपनी अय्याशी में अपने ही लोगों को गरीबी और भूखमरी से मरने के लिए छोड़ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इराक इससे पहले कि कुछ सद्दाम कर पाता 9/11 के हमले ने सद्दाम के लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर दी। आतंकवाद और डिक्टेटरशिप के नाम पर अमेरिका ने सद्दाम पर बिल फाड़ा और मार्च 2003 को इराक को सद्दाम के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर डाला जिससे बस सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर में यानी कि 9 अप्रैल 2003 में बगदाद और पूरे इराक ने इस तानाशाह से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली। लेकिन इस आजादी के खुशी के बीच में सद्दाम कहीं नहीं था जिसकी वजह से यूएस आर्मी ने दिन रात एक करके सद्दाम को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार 8 महीनों के लंबे अरसे बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन फाइनली पकड़ा गया। यूएस आर्मी को सद्दाम अद्दर में मिला लेकिन यहाँ पर वो राजा की तरह नहीं था बल्कि चूहे की तरह था। एक बिल से निकला जो कि सद्दाम के बर्थ प्लेस से बस कुछ ही दूरी में था और सद्दाम का यही जीवन का चक्र उसका फांसी का फंदा बन गया और उसके बाद सद्दाम को कई साल सलाखों के पीछे बिताना पड़ा जहां सद्दाम पर वॉर क्राइम्स और इंसानियत के खिलाफ किए गए क्राइम्स के मुकदमे लगे पर यह साबित भी हुआ और इस जल्लाद को इस दुनिया से नरक भेजने के लिए इस कोर्ट ने 30 दिसंबर 2006 का दिन चुना जो कि कोई ऐसा वैसा दिन नहीं था बल्कि मुसलमानों के पाक ईद उल अधा का दिन था और इसीलिए दुनिया भर के कई मुसलमानों ने इस दिन पर उसे ना मानने की प्रार्थना की पर यूएस को तो सद्दाम को जलील करने का था इसीलिए उन्होंने यही डेट को फाइनलाइज किया और इसी डेट पर उसे फांसी भी दे दी गई और इराक और पूरी दुनिया को इस जल्लाद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और बस यही खत्म हो गई तानाशाह सद्दाम की रंगीन उर्फ कत्लेआम कहानी।
लेकिन इस जल्लाद ने जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना किया, बहुत सी इराकियों का आज भी ये मानना है कि 70s वाला जो सद्दाम का टाइम था वो इराक का एक गोल्डन एज था, और उसके बाद मे बी पावर की भूख ने उसे करप्ट कर दिया। एज दे से, पावर करप्ट्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आपका क्या राय है इस विषय में? क्या आपको ऐसा लगता है कि सद्दाम पहले से ही इतना क्रूर था और इनह्यूमन था कि वो बाद में वैसा बन गया, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना, और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सब्सक्राइब फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।